Subscribe Adda 24/7 and press the bell icon. स्टार्स एंड एंजल्स, वेलकम टू अड्डा 24/7 गवर्नमेंट जॉब इन योर पॉकेट। फ्रेंड्स, सुबह के 5 बज गए हैं और आपका वोकैबुलरी डेवलपर आपके सामने आ गया है पिक्यूलियर इडियम्स और फ्रेजेस को आपके सामने लेकर। तो जल्दी से मेरे साथ एक बार जुड़ जाइए और फटाफट देखते हैं आज के क्या नए वर्ड्स हैं। सुबह सुबह का टाइम है, अभी के अभी चुटकियों में आप लोगों को मैं ये वर्ड्स याद करवा दूंगा। तो देखते हैं आज का पहला वर्ड क्या है आपके सामने, लॉर्ड्स डे। लॉर्ड्स डे का मीनिंग क्या होता है? भगवान का दिन, है ना। भगवान का दिन कौन सा होता है पता है? ना मंडे, ना ट्यूसडे, ना वेंसडे, ना थर्सडे, कौन सा? संडे। संडे इज कॉल्ड द लॉर्ड्स डे। आई होप ये पिक्यूलियर वर्ड था आपके लिए। अगर आपको पसंद आया तो जल्दी से लाइक कीजिए। शुरू से लेके एंड तक आपको इस वीडियो को देखना है, तभी आपको मजा आएगा कि कितने अच्छे वर्ड्स आप लोगों ने सीख लिए। तो मीनिंग क्या हुआ? संडे इज कॉल्ड द लॉर्ड्स डे। जब भी संडे आता है, इस दिन कहते हैं कि इस दिन देवता भी आराम करते हैं, इसलिए संडे की सब छुट्टी बनाई गई है। हर चीज का लॉजिक होता है, जानते हो। तो लॉर्ड्स डे क्या हो गया? संडे हो गया। और ये अब आपको कभी भी ये जिंदगी में भूलेगा नहीं। चलते हैं अपने दूसरे वर्ड की तरफ। हमारा दूसरा वर्ड है आपके सामने अ लोटस ईटर। अब लोटस का मतलब होता है कमल, और कमल को खाने वाला क्या मीनिंग होता है? एक ऐसा इंसान होता है जो कोई भी कोई ढंग का काम नहीं करता, कोई यूजफुल काम नहीं करता, फिर भी खुश रहता है। ऐसे ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? लोटस ईटर बोलते हैं। डोंट बी, डू यू वांट टू बी लोटस ईटर इन योर लाइफ? नो, नॉट एट ऑल। बोल देना, नीचे कमेंट बॉक्स में मुझे लिखना, सर वी डू नॉट वांट टू बी अ लोटस ईटर्स इन आवर लाइफ। ठीक है ना। तो अ पर्सन हु डज नॉट डू एनी यूजफुल वर्क बट स्टिल हैप्पी, फिर भी एक आदमी खुश हो, कोई अच्छा काम ना करता हो, कोई ढंग का काम ना करता हो, फिर भी खुश हो, ऐसे ऐसे इंसान को क्या बोलते हैं? अ लोटस ईटर। डोंट बी अ लोटस ईटर इन योर लाइफ। अपनी लाइफ में कभी भी ये मत बनिए। आइए देखते हैं अपने थर्ड वर्ड की तरफ। तीसरा वर्ड है हमारा, तीसरा फ्रेज है लव चाइल्ड। ये फ्रेज मैं आप लोगों को इसलिए बताना चाहता हूँ, कि एक पिक्चर आपको दिखाऊंगा और आपको अपने आप ये वर्ड याद हो जाएगा। जो भी अनमैरिड पेरेंट्स होते हैं, उनका कोई बेबी होता है, उस बेबी को बोलते हैं लव चाइल्ड। आपने देखा होगा, अगर मैं आपको दिखाऊं पिक्चर, और आपने पाम मूवी देखी होगी, उसमें जो अमिताभ बच्चन है होते हैं, वो बेबी होता है किसका? अनमैरिड पेरेंट्स का। इसलिए उसको क्या बोलेंगे? लव चाइल्ड। कंप्यूटर महोदय, जरा एक बार हमें आंसर दिखाया जाए। अ चाइल्ड ऑफ अनमैरिड पेरेंट्स इज कॉल्ड ए लव चाइल्ड। सो यू कैन से ओरो वाज अ लव चाइल्ड। दिस इज पिक्यूलियर, दिस इज विचित्र। इसलिए आपके सामने मैं धीरे धीरे करके, वन बाय वन करके आप लोगों के सामने ये वर्ड्स मैं लेके आता हूँ। लाइक करना मत भूलिएगा। जो बच्चा आज पहली बार देख रहा है मेरे को, वो उसका वेलकम है एसएससी अड्डा में। और जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरा नेक्स्ट शो होता है 4 बजे शाम को, फिर 10:30 पे रात को, और फिर 11:30 पे रात को। पूरा दिन आप लोगों के सामने मैं यूट्यूब पे रहता हूँ। जल्दी से आइए, इंग्लिश लैंग्वेज को इम्प्रूव कर लीजिए। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।